नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आज चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर का आधा 6000 देख रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे कैसे सीड की, तो कैसे सीड में शाम के कारोबारी सत्र में हमने कल देखा था कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया था। और अगर आज की बात करें तो आज देख रहे हैं कि नवंबर वायदा 6172 पर है। रूपा जी, आपको क्या लगता है कैसे के अंदर जिस हिसाब से एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है काफी समय से, तो ये सीमित दायरा कितने और दिन तक देखने को मिल सकता है और कैसे में कब एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कैसे में तेजी आती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, जो ब्रेकआउट है इसका वो 6240 से लेकर 6260 के अराउंड मुझे लगता है कि एक बार निकल सकता है, वहां से बाजार जो है वापस से तेजी पकड़ सकता है। लेकिन फिलहाल रेंज बाउंड है, जब तक 6220 के ऊपर नहीं निकलता तब तक तेजी की तरफ जा नहीं सकता और नीचे में भी 6000 की रेंज है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 6220 अहम सपोर्ट है, उसके ऊपर निकलता है तो वापस से तेजी बन सकती है। और नवंबर वायदा की बात करें तो वो तो बेहद एक्सपायरी के करीब है, लेकिन दिसंबर वायदा में आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से जो है बाइंग इनिशिएट हो सकती है निचले स्तरों पर और वापस से बाजारों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी यशरूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो वो देख रहे हैं कि आज भी 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है बिनौला खल भी 2500 के दायरे में कब तक रहेगा और 2600 के पार कब तक जाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, बिनौला खल में अगले तेजी है, लेकिन अभी हमने देखा कि पीछे इसको थोड़ा सा कॉटन के साथ कोरिलेट करेंगे कि कॉटन जो है वो अपने हाई रिकॉर्ड बनाने के बाद उसमें जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली है और सीबोर्ड पर भी पिछले एक हफ्ते में कॉटन 6% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। और वहीं M6 की बात करें तो M6 पर भी 5% लुढ़का है। तो जो M6 पर नया हाई बनाने के बाद कॉटन ऊपरी स्तरों पर गिरा है, दरअसल उसमें मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दी है और सीबोर्ड पर भी अपने 2011 के उच्चतम स्तरों से फिसल चुका है। तो उसका एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से बिनौला खल अभी फिलहाल उठ नहीं पा रहा है, लेकिन कॉटन में अभी भी तेजी है क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में कॉटन के उत्पादन में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में उत्पादन 3% कम रहने का अनुमान लगाया गया है, भारत में भी प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड कॉटन कंजम्पशन ग्रोथ में भी 2.9% की अभी फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज है और प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड वाइड कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कॉटन में को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर हम बिनौला खल की कीमतों के ऊपर भी आता हुआ देख सकते हैं। और बिनौला खल की कीमतें भी वापस से तेजी की तरफ जा सकती है, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है बाइंग के लिए। आप ये समझ के चलिए कि लॉन्ग टर्म होरिजन जिसका वो बिनौला खल में वही इसमें बाइंग करके चल सकता है। दिसंबर वायदा ना लीजिए, जनवरी वायदा में आप पोजीशन बना सकते हैं। 2500 के नीचे जिस दिन भाव मिले आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी इमीडिएट आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं। 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर डिप पे आप बाय करें और ऊपर में 2800 तक 2600 से इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 2600 का रहेगा, उसके बाद 2800 तक के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिनौला खल अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर इसके अंदर बाइंग की जाए तो निचले स्तरों पर वेट करें, निचले स्तरों पर बाइंग करें और आने वाले दिनों में आपको एक लंबा होरिजन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा टारगेट आप लेकर चल सकते हैं 2800 तक का, यानी कि करंट लेवल से अगर देखा जाए तो अभी भी 300 से 400 पॉइंट की तेजी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। जी यशरूपा रूपा जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मसाला में धनिया की और हल्दी की जो क्रॉप्स हैं वो जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो अच्छी खासी बताई जा रही है कि नेक्स्ट क्रॉप अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं, जब बात करें जीरे की, तो जीरे का एडिक्वेट स्टॉक बताया जा रहा है व्यापारियों के पास और मंडियों के अंदर, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि मसाला कारोबार कुछ एक हल्का फुल्का नरमी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है और ऊपर से इसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मसाले में तेजी जारी रह पाएगी दिवाली तक? देखिए, दिवाली तक तेजी जो है वो आप एक त्योहारी सीजन की मांग देख सकते हैं कि घरेलू स्तर पर उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए कीमतों के अंदर। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिनेरियो पर नजर डालें तो जो डाटा निकल कर आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, हल्दी जो धनिया जीरा और हल्दी इन तीनों का एक्सपोर्ट तकरीबन 30% तक लुढ़का है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, ऐसा डाटा है। लेकिन अभी जो है फेस्टिवल एक डिमांड जो है वो इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकती है और बाकी डिपेंड करेगा कि आगे नई फसल कैसे रहने वाली है, इन सब पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मसालों का एक्सपोर्ट लगातार 5वें महीने घटता हुआ दिखाई दिया है और
आगे भी उम्मीद की जा रही है कि अगर फसल अच्छी रहती है तो कीमतों के ऊपर बिल्कुल दबाव बना रहेगा, और हल्दी की फसल फिलहाल 15 से 25% अधिक रहने का अनुमान है, जबकि हल्दी की बुआई में भी इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसमें ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड अभी फिलहाल जो है साइडवेज मोमेंटम है, गिरावट की तरफ भी बाजार दिखा रहा है। सिर्फ एक घरेलू बाजारों के चलते सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफी लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं सभी मसालों के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाजारों के अंदर दिवाली के चलते एक डिमांड पिकअप हो सकती है जो इसको तेजी की तरफ ले जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन धनिया मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है कि धनिया जो है वो ऊपर में एक बार 8200 तक दिसंबर वायदा जा सकता है जी। ये सर जी बात करें अगर ग्वार गम की और ग्वार सीड की, तो देख रहे हैं कि दोनों ही ठीक ठाक तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 10,500 के ऊपर है और नवंबर वायदा 10,800 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स हैं ग्वार गम के लिए, वो उसके ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है तो क्या 11,000 के भी ऊपर के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल पाएंगे, जैसे हमने एक दो दिन पहले देखे थे ग्वार के अंदर? देखिए अभी जो ग्वार है वो अपना जून 2015 के हाई पर कारोबार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ग्वार जो है 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मतलब पॉजिटिविटी है इसके अंदर अभी भी, क्योंकि पहले हमने देखा इसको दो तीन बार ये 10,000 के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अब ये 11,000 के ऊपर निकल चुका है एक बार, वहां से जरूर करेक्शन आई है। और दूसरा इसकी कीमतों को जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रूड के अंदर तेजी है, क्रूड की वजह से भी ग्वार की कीमतों को एक सपोर्ट मिला है, और जो कि बताया भी जा रहा है कि चालू सीजन में 40 से 45 लाख बोरी उत्पादन होने की संभावनाएं हैं, और हाल फिलहाल में बारिश की वजह से नई आवक में भी देरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। और बताया जा रहा है कि 2-3 सालों में उत्पादन भी इसका घटा है, क्योंकि पहले प्राइसेस काफी नीचे थे, इस वजह से किसानों का रुझान जो है ग्वार की बुआई की तरफ कम हुआ है। और अभी इस सीजन में देखा जाए तो बारिश में देरी से बुआई घटी है, तो ओवरऑल जो फंडामेंटल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि इसमें प्रोडक्शन इस बार कम है, लेकिन दूसरे मद्देनजर देखा जाए तो स्टॉक भी बाजारों के अंदर काफी ज्यादा अवेलेबल है, व्यापारियों के पास, ट्रेडर्स के पास, या कहीं स्टॉकिस्ट के पास काफी बड़ी मात्रा में इसका स्टॉक भी रखा हुआ है। लेकिन जो सिनेरियो बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर या जो तेजी है, अब इसका एक और फंडामेंटल साथ में जुड़ गया कि क्रूड में तेजी है, तो इस वजह से ग्वार में भी आगे तेजी बनेगी। तो फिलहाल ग्वार के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है, सभी पॉजिटिव हैं इसके अंदर, और ये भी ट्रेंड भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि गम जो है नवंबर वायदा बिल्कुल एक बार फिर से 11,000 के ऊपर जा सकता है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 12,000-12,500 के टारगेट गम में अभी लेकर चला जा सकता है। वहीं सीट की बात करें तो 6200 से लेकर सीट भी ऊपर में 6500 तक जा सकता है जी। ये सर जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में बीते सत्र में सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार ने खाद्य तेलों की कस्टम ड्यूटी घटा दी है CPO, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की। ऐसे में इसका इंपैक्ट हम आज खाद्य तेल के वायदा बाजार पर पड़ता हुआ देख भी रहे हैं कि खाद्य तेलों का वायदा बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है सरकार जैसे एक के बाद एक फैसला लिए जा रही है और सरसों का वायदा भी बैन कर दिया गया है, तो खाद्य तेलों का वायदा बाजार आगे जाके कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए अखिलेश, मैंने लगातार यही बताया कि खाद्य तेलों में अब तेजी गायब हो चुकी है, अब तेजी की तरफ नहीं है बाजार, और जिस तरीके से सरकार जो है काफी एक्टिव है, और फेस्टिवल पर अभी फिलहाल सरकार ने खाने के तेलों पर काफी बड़ी राहत दे दी है, जो ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है पाम ऑयल पर और क्रूड सोया ऑयल पर लगने वाली, और साथ ही इनके साथ एग्रीकल्चर सेस को भी हटा दिया गया है, तो मतलब घटा दिया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अभी बाजार जो है उठता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता था कि अभी फेस्टिवल सीजन के चलते एक बार फिर से तेलों की जो है वो मांग बढ़ जाएगी या फिर तेलों को ऊपर ले जाया जाएगा, जिसकी वजह से कीमतें जो है रिकॉर्ड स्तरों पर छू सकती हैं। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा ना हो इसके लिए पहले ही कदम उठा लिया है, और जिस तरीके से अब इम्पोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है, और मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट अब मार्केट के ऊपर भी हम देखने को मिल जाएगा, और अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इसके चलते हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बाजार उठते हुए भी दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही गिरावट की तरफ जा सकता है मार्केट, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। फंसने वाली बात होगी अगर इसके अंदर अब इन लेवल्स के ऊपर बाइंग दिया जाए, मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोजिशनें होनी चाहिए
और वेट एंड वॉच करें या फिर सेलिंग की तरफ रहें। और जैसे कि मैंने लगातार बताया कि सोयाबीन 5000 का स्तर कभी भी आपको दिखा सकता है। तो आज आप देखिए अक्टूबर वायदा भी 5300 पर है, नवंबर वायदा 5200 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब मान के चलिए सोयाबीन के जो रेट रहेंगे वो मुझे लगता है कि 4800-500 ये रेंज में बाजार सस्टेन करता दिखाई देगा। और जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है वो 1100-1150 से 1200 की रेंज में पकड़ेगा। और मस्टर्ड तो अभी अगले वायदा तो इसके काफी बैन कर दिए गए हैं, तो अभी जो करंट वायदा है ये मुझे लगता है कि 8000 के आसपास इसका जो नवंबर वायदा है वो 8000-7800 के आसपास सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन फिलहाल तेजी की तरफ नहीं है, एडिबल ऑयल में बचकर रहें, सोयाबीन में खरीदारी से बचें, नीचे में 5000 के स्तर सोयाबीन कभी भी दिखा सकता है। जी रूपा जी, आपसे आज के टॉपिक्स जानना चाहेंगे एग्री कमोडिटीज के, जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए अभी फिलहाल जो टॉपिक होनी चाहिए वो ग्वार ही होना चाहिए, ग्वार के अंदर तेजी का रुझान है, ग्वार के अंदर बाई किया जा सकता है। और सेम एज इट इज बिनोला खल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट, क्या सुबह की कार्रवाई सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।